एक बार एक सम्राट का पुराना वजीर मर गया। वजीर बहुत ही बुद्धिमान था, लेकिन अचानक ही उसकी मौत हो गई थी। तो अब नए वजीर की खोजबीन शुरू कर दी गई। साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए उसे संभालने के लिए एक बहुत ही बुद्धिमान और दूर की सोच रखने वाले वजीर का होना भी बहुत ही जरूरी था। पूरे साम्राज्य में बहुत ही बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति की खोज शुरू कर दी गई। इसके लिए पूरे राज्य में तरह तरह की परीक्षाएं आयोजित की गईं और पूरे राज्य भर से विभिन्न समझदार और विचारशील व्यक्तियों को छांटा गया और आगे उनकी और भी मुश्किल परीक्षाएं ली गईं। अंततः 3 चुने हुए व्यक्तियों को राजधानी लाया गया ताकि सम्राट उनकी अंतिम परीक्षा ले सके। उन तीनों को राजमहल के एक कक्ष में ठहराया गया और सम्राट के द्वारा यह घोषणा कर दी गई कि कल इनकी अंतिम परीक्षा ली जाएगी और जो भी उत्तीर्ण होगा उसे राज्य का वजीर घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि शाम होते होते पूरी राजधानी में ये बात फैल गई कि कल सम्राट कौन सी परीक्षा लेने वाला है। सारे नगर में इसकी चर्चा होने लगी। सम्राट एक बहुत ही अजीब परीक्षा लेना चाहता था। कल सुबह उन तीनों को महल के एक बड़े कक्ष में बंद कर दिया जाएगा और उस कक्ष के दरवाजे पर एक बड़ा ताला लगा दिया जाएगा। वह ताला उस राज्य के गणितज्ञों, कारीगरों और इंजीनियरों ने मिलकर बनाया था। उस ताले पर कोई चाबी नहीं लगती थी। ताले के ऊपर केवल गणित के कुछ अंक लिखे हुए थे और उन अंकों में एक पहेली छुपी हुई थी। जो भी उस पहेली को हल कर सकेगा वही उस ताले को खोलने में सफल हो पाएगा। धीरे धीरे ये बात उन तीनों के पास भी पहुंच गई कि कल उन तीनों को एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा और बाहर एक ताला लगा दिया जाएगा जिसकी कोई चाबी नहीं है। बस उस ताले के ऊपर गणित के कुछ अंक खुदे हुए हैं जिनमें एक पहेली छिपी हुई है। तीनों में से जो भी उन अंकों का प्रयोग करके उसके पीछे की पहेली को हल कर लेगा और पहले दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर आ जाएगा उसे ही वजीर बना दिया जाएगा। यह सुनते ही उनमें से दो तो बाजार की तरफ भागे और तालों से संबंधित गणित की जितनी भी किताबें मिल सकती थी वो सब ले आए और उनका अध्ययन करने लगे। लेकिन उनमें से जो तीसरा था वह सबसे अजीब था। वह ना तो कहीं गया ना ही कोई किताब लाया। वह तो अंधेरा होते ही कंबल ओढ़कर सो गया। बाकी दो ने सोचा कि शायद डर के मारे इसने परीक्षा में ना बैठने का निर्णय कर लिया है या शायद इसे भरोसा नहीं है जो खबर उड़ी है वह सही है। लेकिन फिर भी उन्होंने कोई भी मौका छोड़ना सही न समझा क्योंकि यह सिर्फ पूरी जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका था। वो रात भर किताबें पढ़ते रहे। तालों के विज्ञान से संबंधित जो भी साहित्य उन्हें मिला वो सब उन्होंने पढ़ डाला। सुबह हुई तो वह तीसरा व्यक्ति सोकर उठा और तब उन तीनों को सम्राट के सामने प्रस्तुत किया गया। वहां उन्हें पता चला कि जो अफवाह उड़ी थी वो सत्य थी। इसके बाद उन तीनों को एक बड़े कक्ष के अंदर बंद कर दिया गया और उस कक्ष के बाहर एक ताला लगा दिया गया जिसके ऊपर गणित के कुछ अंक खुदे हुए थे। सम्राट ने कहा कि तुम में से जो भी इन अंकों में छिपी पहेली को सबसे पहले हल कर लेगा वही दरवाजा खोल पाएगा और जो दरवाजा खोलकर सबसे पहले मेरे पास आएगा मैं उसे अपना वजीर बना लूंगा। मैं तुम तीनों का बाहर इंतजार करता हूँ। इतना कहकर सम्राट वहां से चला गया। वो दो व्यक्ति जिन्होंने रात भर पढ़ाई की थी वे अपने कपड़ों के अंदर कुछ किताबें छिपा कर ले आए थे। दरवाजा बंद होते ही उन्होंने वो किताबें बाहर निकाली और ताले पर लिखे नंबरों को एक कागज पर लिखकर उनके हल खोजने शुरू कर दिए। लेकिन वो जो तीसरा व्यक्ति था उसने कुछ भी नहीं किया। वह अपनी आंखें बंद करके कमरे के कोने में शांति से बैठ गया। उसे ऐसा बैठा देख वो दोनों हंसे और तंज कसते हुए कहा, क्यों हार मान गए क्या? कुछ करो तभी तो कुछ होगा। उन्हें लगा जैसे उसने हार मान ली है। वह डर गया है और वह अब कोई भी प्रयास नहीं करना चाहता है। लेकिन उसका मन एकदम शांत था। उसकी आंखों से स्थिरता झलक रही थी। वह परेशान नहीं मालूम पड़ता था। वह बैठा रहा फिर अचानक उसे कुछ सूझा और वह उठकर दरवाजे के पास आया और धीरे से उसे धक्का दिया और यह क्या, दरवाजा खुल गया। वह कमरे से बाहर चला गया।
लेकिन उसके साथ के दोनों व्यक्ति अपनी किताबों में ही डूबे रहे। उन्हें पता भी नहीं चला कि वो तीसरा व्यक्ति कमरे से बाहर जा चुका है। उन्हें तो पता ही तब चला जब सम्राट उस तीसरे व्यक्ति को लेकर अंदर आया और बोला, बंद करो अपनी ये किताबें। जिसे बाहर निकलना था वो तो कब का निकल चुका। यह देखकर वो दोनों दंग रह गए और उन्होंने उससे पूछा, आखिर तुम बाहर कैसे निकले? सम्राट ने कहा, ताला तो लगाया ही नहीं गया था, क्योंकि बंद ताले को तो खोला जा सकता था, लेकिन जो ताला लगाया ही ना गया हो उसे कैसे खोलोगे? ये आदमी तुम तीनों में सबसे ज्यादा समझदार है, क्योंकि इसने समझदारी का पहला परिचय दिया। इसने ताले पर लिखे अंकों को हल करने से पहले यह जानने का प्रयास किया कि आखिर ताला लगा भी है या नहीं। वही आदमी असल में सबसे ज्यादा समझदार है जो किसी भी समस्या को हल करने से पहले यह देख ले कि जिसे वो हल करने जा रहा है वो असल में समस्या है भी या नहीं। तो ये आदमी हमारे साम्राज्य का सबसे समझदार व्यक्ति है। हम इसे अपना वजीर नियुक्त करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली बात यही है कि जब भी हमें लगे कि हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है, तो जल्दबाजी में उस समस्या का समाधान खोजने की बजाय हमें ठंडे दिमाग से यह सोचना चाहिए कि जिसे मैं समस्या सोच रहा हूँ वो असल में समस्या है भी या नहीं, या असल समस्या कुछ और ही है जो अभी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई होगी और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका धन्यवाद।